नमस्कार, वेलकम टू गौरी किचन। आज मैं एक नया रेसिपी के साथ आई हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ चावल का खीर। तो मैंने चावल का खीर बनाने के लिए क्या लिए, मैं 1 लीटर दूध लिए, अमूल दूध, और राइस लिया है, चावल जो चावल आप खाते हो, जो आपका ठीक लगता है वो आप दे सकते हो। मैंने चावल लिया जो हाथ का 2 मुट्ठी और थोड़ा से ज़्यादा, 1 लीटर दूध में चावल में ज़्यादा नहीं दूँगी, थोड़ा से। तो हमने अच्छी तरह से हमको धो के देना है, और जो दूध है वो हम काट के तपले में हम डालेंगे। ओके, दूध में बर्तन में रख दी, अभी मैं गैस में सर उसको। मैंने जो चावल लिए वो अच्छी तरह से मैंने धो लिए, अभी इसको कुकर में देना है। मैंने कुकर में पानी लिए, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कुकर में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा खीर बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आप दूध का अंदर भी चावल दे के आप बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। कुकर के अगर हम लोग ऐसा सीटी लगाएंगे ना डोसा, तो जल्दी खीर बन जाते हैं। मैंने एक तरफ दूध बैठा दिए और एक तरफ कुकर बैठा दिए, क्योंकि जल्दी जल्दी दोनों साथ में पक जाएंगे, इसीलिए गैस के अंदर मैं रखती हूँ। दूध भी बॉयल हो रहे, उधर सीटी भी मार रहे। गैस कम ही रखा है तो नीचे गिर जाएंगे। मैंने दूध में पानी नहीं दिए, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मैं अभी दूध के अंदर डाल दूँ 2 तेज़पत्ता, ये मैं अच्छी तरह से साफ कर दिए, और डालती हूँ 2 इलायची लिए, थोड़ा कूट के उसके अंदर डाल दूँ। इधर भी दुकान में मिल जाता है खीर का, खीर में देते। मैं अभी डाल दूँ चीनी, और थोड़ा मुझे चाहिए, और भी थोड़ा सा डालूंगी, जिनको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से। चावल भी पक रहे, दूध भी पक रहे, फटाफट बन जाएंगे। थोड़ा से काजू और बादाम लिए, मुझे पीसना है तो मैं पीस के पाउडर बना लेती हूँ। मैंने जो चावल का सीटी लगा रही थी कुकर मैंने वो कुकर का गैस बंद कर दिए। अभी जो मैं काजू बादाम पीसे थे वो पाउडर इसमें डाल दूँ। अगर आप कैसा नहीं देना है तो आप काट के भी दे सकते हैं, लेकिन काट के देखने से क्या होता है वो मुंह में आ जाता है, और ये हम लोग पाउडर ऐसे बना के देते हैं तो अलग टेस्ट आते हैं। मैंने अभी कुकर अच्छी तरह से पक गया, अभी वाला मैं दूध के अंदर डाल दूँ। थोड़ा सा इसमें पानी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप पानी भी दे सकते हो उसमें। गैस मैंने फास्ट किया, अब इसको बार बार उसको ऐसा चलाने का।
अभी खीर में डालना जा रही हूँ। इसमें दूध किधर भी दुकान में मिल जाता आसानी से, लेकिन मैं आपको पैकेट दिखाने के लिए छोटा पैकेट लाई। मेरे पास एक सिल्वर पैकेट, इसके पास लेबल नहीं, इसलिए मैंने आपको दिखाने नहीं। अभी एक सिल्वर खत्म हो गया तो रखते हैं, तो मैं ये वाला दूध कटोरी में डाल के रख दिए। और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना गुन पानी लेना है, गर्म पानी। गर्म पानी के अंदर ये दूध डालना है, डाल के मिक्स करना है उनको, गोलाने के उसको। अगर ठंडा पानी में ऐसा करेंगे तो गोलेगा नहीं ठीक तरह से, मिक्स नहीं होंगे, गट गट बन जाते, इसलिए हल्का से गर्म पानी में ऐसा करना है। देखिए गिलास का दूध तो डाल दो, मैंने अभी खीर में एक घी डाल दूँ, काला घी मैं 2 चम्मच डाल दूँ। मैंने जो घी डाला, आप कोई भी घी डाल सकते हो, जो आप कच्चा जो आप घर पे यूज करते हो डाल सकते हो। मेरा चावल का खीर बन के रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। ओके बाय।